नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों, आप लोगों को इंतजार है PTT 2019, PTT 2019 के BA BEd और PTT काउंसलिंग की। तो दोस्तों, कंटिन्यू रहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PTT काउंसलिंग की कौन सी डेट फिक्स है, कौन सी डेट काउंसलिंग के लिए फिक्स की गई है। पहले इसकी संभावना थी 20 तारीख, लेकिन 20 तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है दोस्तों। तो ये आज की बड़ी खबर है, सारी डिटेल्स आपको देंगे इस वीडियो में। कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वैकेंसी अड्डा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लाल बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुँचता रहे। दोस्तों, बात करते हैं PTET 2019 की। तो इसमें BA BEd फोर ईयर के लिए एडमिशन है और ये PTT जो दो साल के लिए है BEd ओनली, और ये BA BEd जो चार साल के लिए, इन दोनों के एडमिशन की जो काउंसलिंग डेट है वो आपके शुरू होने जा रही है। काउंसलिंग का जो नया नोटिफिकेशन जो है वो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट से लिया है और वहाँ पर संभावित तिथियाँ दी गई हैं, वो आपको बता देते हैं। और वो इस बार संभावित तिथियाँ सबसे सही और सटीक हैं, क्योंकि इससे पहले जो संभावित तिथि आई थी उसको बढ़ा के आगे कर दिया गया है। और दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हुई है तो उसको सही कराने के लिए भी आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, ताकि आपकी सही हो सके। इसके बाद ये अंतिम मौका है, इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई त्रुटि रही है तो आपकी सही नहीं होगी। और दोस्तों, एक बात और, अगर PTT काउंसलिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें और अपना मोबाइल नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर भेजें, और कोई भी परेशानी हो तो उसमें टाइप करें, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी इंपोर्टेंट डेट की। डेट के लिए और काउंसलिंग के जरूरी है आपको एक रिजल्ट PTET 2019 जो ये दिया गया है, यहाँ से एक प्रिंटआउट लेना जरूरी है। यहाँ से प्रिंटआउट लेने के बाद में उसमें काउंसलिंग आईडी और रिजल्ट दोनों बताए गए हैं। काउंसलिंग आईडी PTT काउंसलिंग के लिए जरूरी होता है, रोल नंबर और PTT काउंसलिंग दोनों मिला के आपका फॉर्म फिलअप होगा। और क्या फीस है, क्या कैसे है, और कितने कितना फीस किस डेट को फिलअप करना है, काउंसलिंग डेट कब है, कॉलेज फिलिंग डेट कब है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे बताएंगे। तो कंटिन्यू रहे हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल वैकेंसी अड्डा। तो दोस्तों, बात करते हैं डेट्स की, तो चलते हैं डेट पर। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिया है, वहाँ की ये संभावित डेट हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान PTT काउंसलिंग 2019 2019 की PTT BA BEd की काउंसलिंग, ये स्टार्ट PTT काउंसलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका 25/6/2019 से आवेदन शुरू होंगे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो है उसकी 25 जून 2019 रहेगी, 25 जून 2019, और उसकी लास्ट डेट जो है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कॉलेज चॉइस की, जिसमें आपको कॉलेज फिलअप करना है, वो है 13 जुलाई 2019 तक आप कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज फिलअप नहीं कर पाएंगे, और कॉलेज फिलअप के बाद में और उससे पहले कभी भी आप चाहें तो 25 तारीख के बाद में आप इसकी 5000 जो काउंसलिंग फ़ीस है वो सबमिट करा सकते हैं। और लास्ट डेट 13 है, उससे एक दिन पहले तक आप काउंसलिंग के लिए फ़ीस जो है 5000 वो जमा करा सकते हैं और कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। पहले आपको 5000 जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे काउंसलिंग का। तो इसकी डेट 12/7/2019 है। इसके बाद में ऑप्शन आता है 4 नंबर कॉलेज ऑप्शन, फॉर्म फिलिंग बिटवीन डेट्स, किस डेट के बीच में फॉर्म फिलिंग होंगे। रजिस्ट्रेशन तो 25 को चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 को चालू हो जाएगा, लेकिन कॉलेज के ऑप्शंस जो भरे जाने हैं वो 30 जून 2019 से 13/7/2019 तक भरे जाएंगे। तो 30 जून से 13 जून तक आप इसके कॉलेज ऑप्शन भर सकते हैं, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट पर चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ PTT फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट 2019 और इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेज जो है वो है 15/7/2019 15/7/2019 को आपको पता चलेगा कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा, या फिर आप नेट पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज कौन सा मिला है इसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी आपके नंबर सेंड कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किस डे कौन सा कॉलेज आपको अलॉटमेंट किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबमिशन ऑफ कॉलेज फ़ीस। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको कब है
वो आपको फीस 22,000 सॉरी जमा करानी है। पीछे वाली जो बची है बैंक में वो है 16/7/2019 से 18/7/2019, 3 दिन के अंदर अंदर आपको फीस 22,000 जमा करानी है। और उसके बाद में कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है, जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ उसमें रिपोर्टिंग की जो डेट है वो है 16/7/2019 से 19/7/2019 तक। 16 जुलाई से 19 जुलाई तक आप है वो कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 22,000 फीस भरने के बाद में रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना होगा। इसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको बताना चाहूँगा, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कहीं कॉलेज मिल जाता है और वो कॉलेज आपके एरिया से काफ़ी दूर है, और उसके बाद आपको लगता है कि सेकंड काउंसलिंग से पहले वैकेंसी की डिटेल आ जाती है कि कौन से कॉलेज में अभी भी कितनी वैकेंट सीट है, उस लिस्ट को देखकर अगर आप चाहें तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी वापस आ सकते हैं। वो सेकंड काउंसलिंग से पहले किया जाएगा, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको जिस कॉलेज में सीट खाली है वहाँ के लिए अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन आता है, और वो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन जो है वो 20 जुलाई 2019 से 21 जुलाई 2019, 2 दिन के लिए खुलेगा। उसमें आप आवेदन करोगे तो सेकंड काउंसलिंग से पहले आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगा। अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो 22 जुलाई को अगले दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आफ्टर रिपोर्टिंग इन अलॉटेड कॉलेज 23/7 से 25/7 तक जो अपवर्ड मूवमेंट वालों को है वहां पर आपको रिपोर्टिंग वापस से करनी होगी। रिपोर्टिंग करने के बाद देखिए दोस्तों, पीटीटी काउंसलिंग फीस जो है राजस्थान प्री टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन टेस्ट 2019 काउंसलिंग एप्लीकेशन फीस इज 5,000। काउंसलिंग के लिए 5,000 फीस जो रखी गई है, और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में आपका अगर नंबर आ जाता है तो 22,000 कॉलेज की फीस है। अगर ये आपका नंबर काउंसलिंग में नहीं आता है या कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद आपका 200 रुपीज़ चार्ज कट के 4,800 रुपीज़ जो है आपका वापस आएगा। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपीज़ इसकी जो फीस रखी गई है उसमें से अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है, जो आपने चॉइस भरी उसमें नंबर नहीं आता है, तो आपको 4,800 रुपये वापस रिफंड किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग के लिए आपको जो ले जाना है वो है 10th की मार्कशीट ले जाना है, 10th की अंक तालिका, 12th की अंक तालिका, और अगर आप बीएड के लिए किया है तो आपको बीए, बीएससी, बीएड जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो ले जाना पड़ेगा, और अगर आप बीए बीएड के लिए अप्लाई किया है तो 10th 12th की मार्कशीट, साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी जिसको बोलते हैं वो ले जाना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है बोर्ड से आया हुआ वो ले जाना पड़ेगा, और जो फीस भरी आपने 5,000 और 22,000 उन दोनों की ओरिजिनल रिसिप्ट ले जानी है और फ़ोटो ले जाना है। इसके साथ ही वहाँ काउंसलिंग किया जाएगा और उसके बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, 10th के लिए 2nd नंबर 12th, और 3rd के लिए 5,000 रिसिप्ट, 4th के लिए आपको 22,000 की जो रिसिप्ट है वो, और 5th नंबर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, 6th नंबर माइग्रेशन लिख लिए हैं, 7th नंबर जो है वो है टीसी, इत्यादि डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी हैं। और उसके बाद में तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको बीए बीएड पीटीटी की नेक्स्ट जानकारी भी हम आपको देंगे और बीएसटी से रिलेटेड जानकारी भी आपको देंगे, तो कंटिन्यू हमारे साथ। और वैकेंसी अड्डा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट्स करना नहीं भूलें। कमेंट्स में हम आपकी जरूर मदद करेंगे, कोई भी इश्यू है तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।